आवाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पार्टी है। ये पूरा सारा देश में बीजेपी एवं कांग्रेस के लिए विकल्प है। आने वाला लोकसभा चुनाव में पूरा देश में 543 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं अगले सरकार जय महाभारत पार्टी का होगा सेंट्रल में, और इस तरफ हम या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट में पूरा असेंबली सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है। तेलंगाना में 119 सीट पूरा औरत को टिकट दे के हम औरत से चुनाव लड़वाना, औरत लोगों का सरकार बनाने के लिए हमारा इरादा है, हम वादा दे दिया। और इस तरह से आंध्र प्रदेश में भी 175 सीटों पे जय महाभारत पार्टी पूरा एमएलए कैंडिडेट्स को महिला लोगों को दे के हम वहाँ सरकार बनाने के लिए मूवमेंट बना रहा है। आज तेलंगाना में जय महाभारत पार्टी पूरा 16 लाख से ऊपर मेंबर्स है। एक एक 16 लाख में एक एक 10 आदमी की जोड़ी है तो वो 1,60,00,000 हमारा मेंबर बनेगा। तेलंगाना में पूरा 3 करोड़ वोट डालने वाला है, उसमें 1.5 करोड़ औरत है, 1.5 करोड़ मर्द है। सिर्फ 1.5 करोड़ औरत में 60 लाख औरत एक तरफ वोट डालने से यहाँ सरकार बन जाएगा। तेलंगाना में आप जानते हैं 119 सीट है, 119 सीट में जो 60 सीट जीत जाता है उनका सरकार बना जाता है। इसलिए हम ये वादा करते हैं तेलंगाना में हमारा जय महाभारत पार्टी 119 एमएलए सीटों पे महिला लोगों को खड़ा करके ये पूरा सरकार बना के तेलंगाना में हर महिला को, यानी हर महिला को 1.5 करोड़ महिला को 200 गज ओपन प्लाट देने का हमारा एजेंडा है। और तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में पूरा दारू बंद करने के लिए हमारा इरादा है, हमारा एजेंडा है। और साथ साथ फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन दे के पूरा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल सिस्टम को हम टेक ओवर करेंगे, बैन करेंगे। हर चीज़ मेडिकल में, एजुकेशन फील्ड में आपको पूरा मुफ्त मिलेगा। और 200 गज के साथ साथ हर औरत को 50,000 रुपया सिर्फ सालाना 25 पैसे के लोन पे 6 महीने के अंदर भरने के लिए 50,000 रुपया कभी भी उन्होंने ले सकते हैं उनका खुद दम पे, सिर्फ फ्लैट का नंबर एंट्री करके, उनका नाम कोड करके। ऐप भी दे देंगे, ऐप में डाउनलोड करके भी उनका 50,000 पैसा जब जरूरत पड़ता तब वो औरत लेने का, किसका रिकमेंडेशन कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये कहना चाहता जय महाभारत पार्टी आज प्रोग्राम रखने का 2 मकसद था। एक है पूरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कोऑर्डिनेटर काट्रागड्डा सत्यवती सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको हम लोग नियुक्त किया है। हम आशा करता है ये काट्रागड्डा सत्यवती हमारा जय महाभारत पार्टी का तेलंगाना का एवं आंध्र प्रदेश का कोऑर्डिनेटर है। इनका जिम्मेदारी है पूरा संगठन को तैयार करना, आंध्र प्रदेश में 119 एमएलए लेडीज़ को तैयार करना, और तेलंगाना में सॉरी आंध्र प्रदेश में 175 लेडी एमएलए कैंडिडेट्स को तैयार करना, और तेलंगाना में 119 लेडी एमएलए कैंडिडेट्स को तैयार करना उनका जिम्मेदारी दिया है। तो अभी तक हमारे पास तेलंगाना में 16 लाख से ऊपर महिला जोड़ चुका है, मेंबर बन चुका है। हम आशा करते हैं ये अप्रैल लास्ट वीक में 50 लाख लोगों से हम पब्लिक मीटिंग करने जा रहा है, उसकी तैयारी चल रहा है। हमारा 1 महिला 10 महिला को समझा रहा है हमारे एजेंडा के बारे में, ये हमारा एजेंडा वेरी क्लियर है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ यहाँ महिला लोगों को एक साइड करके महिला को दर्द मिटाने के लिए, महिला सरकार बनाने के लिए हम प्रयास कर रहा है। मेरा नाम भगवान श्रीनाथ विष्णु है, जय महाभारत का फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जय महाभारत पार्टी बिल्कुल विरोध करने लगते बीजेपी केंद्र सरकार, ये राजनीतिक पार्टी है। महिला लोगों को हेल्प देना बात अलग है, उनको एक्टिवेट कर रहा है, रेवल्यूशन पैदा कर रहा है, चैतन्य कर रहा है। वो लोग एकजुट के सरकार बनाने के लिए मैं वो लोगों को आशा दिला रहा हूँ और कामयाब का औरत को खुद उनका सरकार बनने से क्या चाहिए। तो औरत लोगों को मैंने ये करना चाहता, आप लोगों को हम सरकार बना के दे देंगे, आप लोगों को आगे बढ़ो बोल रहा है। खुद सरकार तेलंगाना का सरकार उनके हाथ में देने के लिए मैं प्रयास कर रहा है जय महाभारत पार्टी एक प्लेटफॉर्म देके। कोई दूसरी पार्टी में 119 सीट महिलाओं को देगा क्या? आप हमको बता दे कृपा करके मीडिया लोगों, आने वाले नहीं टूटा, जब भी इलेक्शन है फाइट करने के तैयार है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। पूरा महिला एमएलए कैंडिडेट को टिकट दे रहा मैंने, 200 गज हर महिला को देने के लिए हम तैयार है ओपन प्लाट। तो इतना देने का हमारे एजेंडा में है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। और आपका बाल बच्चा पढ़ाई में फ्री ऑफ कास्ट, पेन पेंसिल किताब स्कूल बुक्स एवरीथिंग हम प्रोवाइड करेंगे स्कूल ड्रेस के हिसाब से। प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस पूरा बंद करेंगे, प्राइवेट धंधा बंद करेंगे, पूरा टेक ओवर करेंगे। ये मुफ्त एजुकेशन मुफ्त दवा देना हमारा फर्ज है, और महिला लोगों का सरकार लाना हमारा फर्ज है। इसलिए महिला लोगों को हम झूठ भर के बोलो जय महाभारत पार्टी, जय महाभारत।